सकते। मंदिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता अम्बेडकर, तुम नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि जिस भगवान को तुमने दरवाजे में बंद किया है उस भगवान को ये बताने आया हूँ कि आज तो ये 100 है, कल 100 करोड़ होंगे, लेकिन एक भी दर्शन के लिए नहीं होगा। पुजारी जी होगा तो सिर्फ कुत्ता, और कुत्ता किस तरह दर्शन करता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं पुजारी जी। तुम संभालो अपने भगवान को और मैं संभालता हूँ अपने समाज को। मेरे होते हुए इस घर के बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं हम तुम्हें मार भी सकते हैं? जानता हूँ तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं खुद जाकर पानी नहीं पीता। तुम्ही में से मराठा कुनबे समाज के लोगों ने पैसे लेकर मुझे यहाँ रखा है। शिवाजी महाराज का अंगरक्षक महार था, रायगढ़ का किलेदार भी महार था, सिंहगढ़ की रक्षा का कार्य महार किया करते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी नहीं कहा कि ये लोग अछूत हैं। सिंहगढ़ में तुम अकेले नहीं रहते हो, यहाँ मेरे मातंग और चमार भी रहते हैं, और भवानी माँ हमारी भी कुल देवी है। ये शुद्र औरत हम ब्राह्मणों के कुएं का पानी पिएगी। जात पात में उलझे हैं, देखो ये कैसे मानव है। जात पात में उलझे हैं, देखो ये कैसे मानव है। पानी के लिए बहाते हैं खून ये इंसान, दानव है। प्यास के कारण माँ से बच्चा मर चुका है। गांधी जी, आप और आपकी कांग्रेस अछूतों के विकास का सिर्फ ढोंग करती है। दैट यू वांट फ्रीडम बट ओनली फॉर दोज हु आर द स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट फॉर दोज द स्लेव्स ऑफ द स्लेव्स। आप गुस्सा मत करो, गोलमेज परिषद में जो आपके कार्यों की रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें आपको महान देशभक्त कहा गया है। देशभक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी देश को अपना देश कह सके, जिस देश में मुझे और मेरे समाज के लोगों को जगह जगह अपमान सहना पड़ता हो, जिस देश में मुझे सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने से रोक दिया जाए, जिस देश में मेरे समाज के लोगों के थूकने के लिए गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाए, जिस देश में मेरी समाज की महिलाओं को स्वर्णों के सम्मान में अपने ब्लाउज की गांठ खोलकर आंखें मूंद कर अपने पैर की जूती सर पर रखकर खड़ा होना पड़ता हो, जिस देश में मेरे समाज के लोगों को इतना भूखा रखा जाए कि उन्हें मुर्दा मवेशियों को खाने के लिए भी कुत्तों से झगड़ना पड़ता हो, क्या उस देश को मैं अपना देश कह सकता हूँ गांधी जी? यदि मुसलमानों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, यदि ईसाइयों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, और यदि सिखों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, तो फिर अछूतों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश कहाँ बढ़ जाता है? कि गांधी जी और कांग्रेस इस देश की आजादी तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी कि जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी नहीं कि जो गुलामों के भी गुलाम हैं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ रामू, तुम्हें जो रोग हुआ है उसके भारत में बहुत डॉक्टर हैं रामू, मेरे भारत को जो छुआछूत का रोग हुआ है उसका सिर्फ मैं डॉक्टर हूँ, सिर्फ मैं डॉक्टर हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामू। नहीं रामू, नहीं, नहीं रामू, नहीं, नहीं रामू, तुम नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रामू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रामू। आहुति दे डाली जिसने स्मृत शैया पर लेट कर, चली गई वो जीवन अपना समाज को भेंट कर। रामा